हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी ये शाम का समय है, मतलब कि शाम या रात जो भी बोल दो, क्योंकि अंधेरा होने वाला अभी हुआ नहीं है, शाम का पूजा भी हुआ नहीं है। मैं सोच रही हूँ पहले आम का जूस निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, तो पहले मैं इसी काम में लग गई हूँ। हालाँकि अभी मेरा शाम वाला जैसे काम होता है वो हो गया है, जैसे खाने पीने का अभी कुछ नहीं। पहले सबसे पहले मैं जूस ही निकाल रही हूँ, चाय पानी बनाना कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि पीयूष लग के तो अभी है नहीं। आज संडे का दिन है तो पीयूष लग के घर में नहीं है। शाम में 3 साढ़े 3 बजे गए हैं, तब से मतलब कि अपने चाचा जी के साथ गए हुए हैं कहीं, तो मतलब अकेले मैं क्या करती, इसलिए मैं इसी में लग गई हूँ। फिर बनाना रहता है तो इसको जल्दी बना के रख देती हूँ। मैं इसमें बर्फ़ नहीं डालती हूँ, मेरा कोशिश ये रहता है मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि रात के समय सब कोई पीते हैं तो उस समय तक ये ठंडा हो जाता है। हाँ, जब ठंडा नहीं होता तो मुझे डालना ही पड़ता है, पर कोशिश ये रहता है। आज जिस समय में अभी मैं आम का जूस बनाने का तैयारी कर रही हूँ, इस समय मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है, मैंने बाहर में फ़ैन लगा के रखा हुआ, स्टैंड फैन जो रखा हुआ है वही लगा के रखा। जैसे ऐसे काम करती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ, आज जैसे रोटी बनाना ये रहता तब मैं मतलब कि ना लगा पाती हूँ, क्योंकि चूल्हा जलता नहीं, इसीलिए नहीं तो लगा के रखती हूँ। जैसे ज़्यादा गर्मी होता तो मैं लगा लेती हूँ। आम का जूस मैं खूब सारा बना रही हूँ, क्योंकि आधा का आम का जूस ऐसे बना के पी लेंगे रात में, आधा मैं फ्रीजर में रख दूँगी तो इसका आइसक्रीम बन जाएगा। क्योंकि मुझे तो उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है आइसक्रीम, पर फिर भी ठंडा होता है तो मैं ज़्यादा ये करके पी लेती हूँ, ठंडा ठंडा पीने के। जैसे आप बना लेते हो उसको पगला के पूरा, आइसक्रीम जैसे खाते वैसे नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे आम का जूस सबसे ज़्यादा पसंद है। इसीलिए अब बच्चों को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद रहता है तो बच्चों के लिए आइसक्रीम कर दूँगी। खूब सारा मैं बना भी रही हूँ, कम से कम ये मतलब कि 7-8 6-7 आम होगा मेरे ख्याल से, मुझे गिनती मैंने किया नहीं है। यहाँ खूब सारा जूस मेरा बन के तैयार है। इसमें मैं दूध लास्ट में डालती हूँ, पीसते समय दूध नहीं डालती, बहुत ऐसे होते हैं पीसते समय चीनी मैंने डाल दिया है, इसको चलाते समय दूध अभी डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। छान लिया मैंने, क्या बिना छाने बीच बीच में जैसे इसमें जाली जैसा आता है, धागा जैसा निकलता है, वो मुंह में आता तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं छान के ही बनाती हूँ जब बनाती हूँ तब। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँ, अभी पीने वाला कोई नहीं है, पीयूष लगे घर में नहीं, मेरे इस समय पीते भी कोई नहीं है। रात में ज़्यादातर पिया जाता है या फिर सुबह दोपहर में जैसे गर्मी ज़्यादा होता है उसी समय। अभी मैं आम का जूस बना रही हूँ तो इतना ज़्यादा तेज़ गर्मी है, मतलब मौसम एकदम से अच्छा है, अचानक से मतलब कि मौसम ख़राब हो रहा है, बाहर में हवा चल रहा है तेज़, बारिश जैसा लग रहा है, मतलब काला काला पूरा बादल घेरा, वो भी आपको दिखा दूँगी। पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, जहाँ मैंने चाय चढ़ाया है वहीं लाइट चला गया है पूरा, मतलब कि चाय चढ़ाने के साथ में लाइट चला गया। हालांकि ये अच्छा हुआ मेरा आम का जूस बन गया है, कई बार मिक्सी चलाने का टेंशन हो जाता है, मिक्सी इन्वर्टर में कम ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि इसको चलाना भी ज़्यादा देर था, इसीलिए अच्छा मेरा हो गया है, नहीं तो फिर लाइट का टेंशन हो जाता, फिर रखा रह जाता और ज़्यादा लेट हो जाता। अब बाहर का मौसम भी मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, पहले यहाँ का ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि आम का जूस जब बनाते तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता, बर्तन भी इतना ज़्यादा हो जाता, वो धो के मैं रख दूँगी, इतना ज़्यादा गंदा भी हो जाता, सब जगह मैंने कपड़ा लगा दिया। दूध को फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ देखिए मौसम पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत तेज़ मतलब कि हवा चल रहा है, बारिश हो रहा है, हालाँकि ये बारिश ज़्यादा देर तक नहीं टिक रहा, तेज़ हुआ था जब भी हुआ है, शुरुआत में तेज़ हुआ है। अभी उस लगे अभी तक घर आए नहीं हैं, मतलब इस समय अंधेरा होता नहीं है, देखने से भी आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि 7:45 में अंधेरा होता है, अभी 7:30 7:45 का टाइम हुआ, पूरा तेज मतलब पूरा अंधेरा नहीं होता है, पर ये बारिश की वजह से अंधेरा जैसा लग रहा है, हवा भी चला, हालांकि मौसम चेंज हो गया अचानक से, मतलब कि जब से बारिश हवा शुरू हुआ तुरंत मौसम चेंज हो गया। टाइम भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 6:30 ही हुआ है, मतलब 6:40 हुआ है, वही पूजा का टाइम है। तो पहले मेरा आम का जूस बन गया है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद अपना दूसरा काम में लगूंगी, क्योंकि शाम पूरा हो चुका है तो मुझे पूजा भी करना है। ऐसे तो पीयूष लक्की कर लेते हैं, पर अभी पीयूष लक्की नहीं है तो मैं ही पूजा कर लेती हूँ, शाम का दिया बाती जो भी करना है वो कर लूँगी, उसके बाद अपना दोबारा से किचन में जाऊँगी, क्योंकि अभी तो काम बाकी है, चाय मेरा चढ़ा हुआ है, कम करके मैंने चढ़ा दिया है, पूजा करूँगी उतना देर में मेरा चाय बन जाएगा। यहाँ जो माचिस जो रखा हुआ था वो गिल्ला हो गया, क्योंकि मैंने खिड़की बंद नहीं किया, खिड़की इसलिए बंद नहीं किया, हवा चला था साथ में, रूम ठंडा हो जाएगा तो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी है, सुबह से मतलब 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अच्छा लग रहा था बारिश आने के बाद, पर ये भी था पीयूष लगे घर में नहीं है तो थोड़ा सा मतलब कि हालांकि अकेले नहीं गए हैं, उसके चाचा जी साथ में गए हैं तो वो ले आएंगे, क्योंकि आज संडे है तो संडे के दिन शाम में घूमने के लिए चले जाते, ट्यूशन नहीं होता, इसीलिए पीयूष लड़के का बहुत दिन से सोच रहे हैं चाचा जी के साथ, हालांकि सुबह से जिद हुआ था क्योंकि जाना है जाना, सुबह नहीं गए अभी शाम में गए हैं, 3:30 4 बजे गए हैं। अब शाम का ट्यूशन रहता तो फिर कहीं नहीं जा पाते हैं, शाम के 6-7 बजे से ट्यूशन शुरू हो जाता है इनका, लगे रहता है इतना देर तक 6:30 या 7 बजे के बीच तक, तो फिर कहीं जा नहीं पाते हैं, इसीलिए आज चले गए हैं, घूम फिर के आ जाएंगे, उनका भी मन दूसरा हो जाएगा। हालांकि गली में खेलने के लिए जाते हैं बच्चों के साथ, आज वहाँ नहीं गए, घूमने के लिए अपना चले गए चाचा जी के साथ। यह मेरा पूजा हो चुका, आप सभी भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए माता रानी को, इसके बाद चलते हैं फिर से किचन में, यहाँ मेरा चाय बन के तैयार है,
ऐसे ही कम करके मैं चढ़ा देती हूँ। गाढ़ा गाढ़ा चाय मुझे अच्छा लगता है, फिर उसके पापा का भी पसंद है। अब मेरा भी उसके पापा का ही मैंने बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्या कि ये चाय जब बना रही हूँ तो 7 बज गया, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। हालांकि मन होता तो पी लेते, आज मेरा मन कर रहा था कि पी लेते हैं, 2-3 दिन से पी भी रही हूँ मैं। शाम में नहीं पीती हूँ, मतलब कि लेट से पीती हूँ, क्या शाम के समय मेरा एक्सरसाइज होता है। हालांकि आज मैंने एक्सरसाइज किया नहीं है, मैं दूसरी चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, मुझे दूसरा काम करना था पर वो काम भी मेरा हुआ नहीं है। 7 बज गया, आप सब भी आइए चाय पी लीजिए, आप सभी चाय पी लीजिए, क्योंकि बारिश तो अभी बंद हो चुका है। कल 5 से 10 मिनट के, बस 5 मिनट ही आया होगा, गर्मी था खूब तेज़, हवा लगा कि ठंडा ठंडा मौसम ठीक हो जाएगा, पर वापस वही गर्मी, मेरा पसीना देख के समझ गया। हालांकि लाइट गया है, अब लाइट का कोई अता पता नहीं, हवा भी चला था तो लाइट आएगा कि नहीं कोई पता नहीं है, इसलिए सोच समझ के काम करना होगा। मेरा काम मतलब कि अभी मुझे आटा लगा के रखना है, आम का जूस मैंने बना दिया, हालांकि प्लान मेरा कुछ और था, वो कुछ हो गया क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से। अब देखते हैं उसका आइसक्रीम जमेगा कि नहीं, मैंने सोचा कि शाम में पी भी लेंगे रात में, और फिर उसका मतलब कि सुबह के लिए आइसक्रीम जमा देंगे तो सब कोई आइसक्रीम खाएंगे। पर अब देखूंगी मौसम ठीक रहेगा तभी जमाऊंगी, नहीं तो फिर पीने वाला का कमी नहीं मेरे यहाँ बहुत है, क्योंकि मेरे आम का जूस सबको पसंद है, खूब अच्छे से पी भी लेते हैं सब कोई। अभी मेरा सब्जी भी बन चुका है, केला आटा लगा के रोटी बनाना, वो मलेट्स बनाऊँ के आटा लगा के रख दूँगी। आज मैं कम से कम 10-15 दिन से सोच रही हूँ कि मुझे एक काम करना है, इस बेड को उधर करना है, ज़्यादा गर्मी रहता है तो मतलब कि यहाँ पंखा लगाते हैं तो उससे गर्मी लगता है, तो बाहर पंखा लगाएंगे तो यहाँ हवा आएगा, पर वही काम मेरा हो नहीं पा रहा। आज सुबह मैंने सोचा कि कर लेती हूँ, फिर उस लड़की बोली मम्मी जाना है चाचा जी के साथ, हालांकि गए भी नहीं, जाना जाना के चक्कर में 1-1.5 बज गया, फिर मेरा मतलब कि मन नहीं हुआ कि छोड़ देते हैं, क्योंकि गर्मी को बहुत ज़्यादा था। मैंने सोचा शाम में कर लेंगे, उसके बाद शाम में दोनों चले गए हैं, शाम में गए होंगे 3:30-4 बजे चले गए, अभी तक तो आए नहीं है, पूरा बारिश भी हो गया, बंद भी हो गया, अभी आया भी नहीं है। मैं सोच रही थी शाम में भी कर लूँगी, अभी भी पीयूष लेके आते तो कर लेती, पर अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, तभी फिर खाना भी बनाना, वीडियो के काम करना, ये काम करना, इसमें करूँगी तो 2 घंटा पूरा लग जाएगा, तभी कुछ नहीं होगा, सब काम देखती हूँ अगले संडे को होगा, क्योंकि ये गद्दा भारी है वो मुझसे होता नहीं है। पीयूष के पापा करवाते नहीं हैं, छुपा के नहीं बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ, उनको ये सब पसंद नहीं है इधर उधर करना, तो बच्चों से करवाएंगे, गद्दा भारी है मुझसे, अकेले से होता नहीं है। पीयूष लेके घर में रहेंगे उसी दिन होगा मेरा, देखती हूँ कब हो पाता है। हालांकि मेरा ज़रूरी है इधर करना, इधर करूँगी तभी मतलब कि पंखा के नीचे रहेगा, उधर कोना में मतलब कि गर्मी ज़्यादा लगता है, खिड़की का तो कोई मतलब ही नहीं है, हवा तो आता नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना है। चाय पीने का तो इस समय मन किया तो सोचा 2 घूंट चाय पी लेते हैं, फिर उसके पापा को मन देते हैं, आप सब यही चाय पी लीजिए, मैं यहाँ बैठ के चाय भी पीऊँगी, वीडियो का काम भी करूँगी, पर उससे पहले मैं आटा लगा के आती हूँ, वो काम मेरा हुआ नहीं है। शुरू हो गई, इस बार तेज आई है, पीयूष लकी अभी भी घर नहीं आए हैं, हालांकि चाचा जी के साथ है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि चाचा जी जहां भी होंगे उनको सेफ्टी से रखे होंगे इसीलिए। पर बारिश तेज हो रही है पूरी, अच्छा लग रहा, गर्मी था, अभी मौसम ठीक हो गया है, अब काम करने में मन अभी लगेगा, बिजली भी पूरा कड़क रहा है, हालांकि मैंने फ़ोन का नेट बंद किया हुआ है, केवल वीडियो बनाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बिजली भयंकर कड़क रहा है। इसके बाद मैंने वीडियो का काम नहीं किया, चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ। बारिश मतलब कि लगभग कम हो चुका है, हल्का हो चुका है, मौसम अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा मौसम हो गया, किचन में तो वही गर्मी थोड़ी देर के लिए रहेगा, पर बाहर में मौसम अच्छा हो गया है। अब मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पीयूष लड़के भी आए नहीं हैं, अभी आ जाएंगे, आने वाले होंगे, पर मैं रोटी बना देती हूँ, क्योंकि वो मतलब कि 3:30 बजे गए हैं, तो दोपहर में खाना उन्होंने दोनों ने खाया है, तो उसके बाद दोनों का खाना हुआ नहीं है, तो मुझे पता है कि दोनों आएंगे तो भूख लगा हुआ होगा। हालांकि मेरा तैयारी तो सब हो ही चुका है, कि रोटी बनाना बाकी था, तो वो भी मैं पराठा सेक रही हूँ, मैंने काला वाला चना बनाया तो उसी के साथ मैं पराठा बना दूँगी। अब मौसम भी चेंज हो गया तो उसमें खाने का भी मन करता, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। हालांकि मेरा ये था कि लाइट आएगा नहीं, पर यही है जहाँ मैं रोटी बना रही हूँ वहाँ लाइट आ गया था, मौसम देख के लग रहा था कि नहीं आएगा, पर अभी आ गया है।
अब मेरा रोटी बना मैंने शुरू किया है, दो पराठा बन गया है, तभी उस लकी भी आ गए हैं क्योंकि दोनों को भूख लगा, मम्मी भूख लगा, मैं जानती थी ये चीज़ कि दोनों को भूख लगा होगा क्योंकि शाम में कुछ खाने का आदत, आज शाम में कुछ खाए नहीं है तो इसीलिए दोनों के लिए मैंने प्लेट लगा दिया। आप सबको पूछ रहा है, ऐसे तो हम सब साथ बैठ के खाते हैं, इसके पापा भी लेट से खाते हैं, जैसे शाम में ये कुछ खा लेते हैं तो आज दोनों को भूख लगा था, मैंने बोल दिया तुम दोनों अपना खा लो। मौसम अच्छा हो गया, दोनों ने पंखा बंद करके रखा है, इतना मौसम अच्छा हो गया। आप सबको पूछ रहा है, आम का जूस भी मैंने दे दिया है क्योंकि मेरे यहाँ सबका आदत है जब भी रात में खाना खाते हैं तो आम का जूस बनाती हूँ तो फिर खाते ही हैं, नहीं आम का जूस रहता तो फिर आम काट के दे देते हैं, हालांकि मुझे जूस ज़्यादा पसंद है, आम कम पसंद है। एक सब्जी और थाली में मैंने रखा है, वो है अरबी पत्ता का सब्जी बनता है, आंटी जी बनाती है, हालांकि मैं नहीं बनाती हूँ तो आंटी जी ने सुबह दिया तो वही सब्जी आधा रख दिया, आधा पीयूष लक्की को मैंने दे दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लक्की खा लेता है, पीयूष कम खाता है, चना सब मतलब कि सबको पसंद है, मेरा ही कम पसंद है और चना सबको पसंद है, इसीलिए मैंने पराठा बनाया, बच्चे खूब खुश होकर खा लेंगे, दोनों को भूख भी लगा है। इससे आगे का वीडियो सुबह बाबू आया था उसी का मैंने वीडियो बनाया है तो मैंने शुरू में नहीं डाला है, आगे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अब देख लीजिए उसका मस्ती क्योंकि आप सबको पसंद आता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लक्की को चोट कौन लगाया बता दो, तू लगाया कहाँ लगाई ये बता दो, कहाँ लगाई पानी भर के लेके आएगा फिर वापस फेंकेगा। लक्की का चोट दिखाऊं तो आपको, हाल से बेहाल है इस लड़के का पैर का, ये देखिए बाबा ये दर्द से तो बुरा हाल है, ये देखिए और दिखा दे हाथ वाला, हाथ वाला ये सूख गया होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये हल्का सूख गया है, हाँ ये दिन भर पानी ऐसे करता है, मतलब कि घर साफ करने के बाद ये गंदा कर देता है। आज कितना खिलौना लेके आया, अक्षत का खिलौना दे दे क्या सबको, यहाँ रखा हुआ है आधा, यहाँ रखा हुआ आधा, कहाँ गया बाबू छोटा वाला, कहाँ छोटा वाला कहाँ है, कहाँ गया, ऐसे पानी बर्बाद करता है ये, हो गया बंद कर दो तो, हो गया इधर कर दो बस, हो गया उठा लो इसको, पानी वाला बंद कर देते, बंद हो गया, उठा लो इसको, खिलौना को उठा लो, मतलब मेरा साफ सफाई किया हुआ ये लड़का बर्बाद कर, चलो अंदर चलो धूप है बाद में, चलो ये देखिए पहले यहाँ गंदा किया है, पानी गिराया है, पोछा लग रहा है, देखिए पोछा लग रहा है, लग गया पोछा बाबू, बाबू पानी मत गिराओ अक्षत, ये देखिए कैसे पोछा लगता है, ये देखिए पानी वहाँ से लेके आएगा फिर यह पोछेगा, ये देखिए लगे मेरा झाड़ू पोछा किया हुआ, मैं ये लड़का देखिए कैसे बर्बाद करता है, पूरा पानी पानी गिरा देता है। अब दोबारा तुम टंकी खोलेगा ना तो मार खाएगा, यहीं पोछ लो, इसी से पोछ लो, यहीं पोछो, नहीं तो हम खोलने नहीं देंगे, टंकी उठा के रख देंगे उधर, हो गया कुची, जो पहले मिट्टी का नहीं लगाते थे वही पोछा लग रहा है, मिट्टी का जो पोछा लगता था वही, अभी पानी का लग रहा है, पहले मिट्टी का लगता था, ये नीचे जा रहे, तुम भी पोछा दोगे, ये लो पानी में बैठ गया पूरा, लो इसी को गंदा बच्चा बोलते हैं और किसी को नहीं बोलते, इसी को पोछा लग रहा है, पोछा लग रहा है तो होता। देखो पोछा लगेगा।